दारी पे उसकी प्राइस क्या है? बेटा उसकी प्राइस है 1,70,000, 1,70,000। What's up everyone, it's me Abdullah Asin. Welcome back to my YouTube channel Bits Tech. I'm very sorry, और मुझे अंदाज़ा है कि मैं काफ़ी लेट आया हूँ, but it's never too late. तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है RTX 3000 सीरीज के ऊपर, जो GPUs का हाल हुआ हुआ है और जो आग लगी हुई मार्केट में, वो तो बड़ी ख़तरनाक है भाई। मैं खुद GPU नहीं ले सका अभी तक। सोच सकते हो आप, मैं जो GPU सेल करता था, मैं ही GPU नहीं ले सका। जी हाँ, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। वो कैसे भाई? देखो, सबसे पहले जो सबसे बड़ी वजह है मेन उसकी GPU की शॉर्टेज की, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि भाई RTX 2000 सीरीज जो उससे पहले थी, ठीक है, और उसका जो रिफ्रेश आया था वो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं था कंपेयर टू अगर हम करते हैं उसको लास्ट 1000 सीरीज से। और दो साल के बाद तकरीबन एनवीडिया ने एक RTX 3000 सीरीज निकाली और वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस बूस्ट था उसका। प्राइस में ऑलमोस्ट सेम 2000 सीरीज के और परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट उनसे डबल जो था वो फास्ट थे RTX 3000 सीरीज। तो भाई मार्केट में तो धूम मची हुई थी। अब मसला ये हुआ कि भाई इसको जो लॉन्चिंग थी इसकी, वो हुई है कोविड के अंदर। कोविड के अंदर प्रोडक्शन जो वैसी थी वो वैसी हाफ हुई भी थी, उस तरह प्रोडक्शन नहीं हो रही थी जो नॉर्मल डेज में हो रही थी, तो डिमांड ऑलरेडी बढ़ी हुई थी। अच्छा, इसके बाद जो ये लॉन्च हुआ तो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी। फिर साथ में सोने पे सुहागा ये हुआ कि बिटकॉइन भी उठ गया। लो भाई, तो माइनिंग शुरू हो गई। माइनिंग शुरू हो गई तो भाई और ज़्यादा डिमांड हाई हो गई। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अब आप भी मेरी तरह सब्र करेंगे, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है भाई, तो उसके बाद प्राइजेस हाई हो जाती है। एक तो आप किसी भी USA की वेबसाइट पे चले जाए, आपको हर जगह आउट ऑफ स्टॉक मिलेंगे। मैंने न्यूएग देख लिया, मैंने माइक्रो सेंटर देख लिया, मैंने अमेजन देख लिया, बट हर जगह आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा, उनकी प्राइजेस ऑलमोस्ट $100 जो है वो जो बेसिक प्राइस थी उससे ज़्यादा हाई हुई हुई है। तो ऐसे में तो आप दुआ ही कर सकते हैं भाई कि आपको कार्ड मिल जाए। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो भाई पाकिस्तान तो वैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, सामान वैसी बाहर से आएगा, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को कैसे मिल सकता है, जब इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स में USA के अंदर कार्ड्स गायब हो चुके हैं, नहीं है मार्केट के अंदर। तो भाई ये बिज़नेस ऐसे ही चलता है, और बिज़नेस का रूल है जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि सेलर्स को, रिटेलर्स को, शॉपकीपर्स को, सबको पता होता है कि अब ये कार्ड किसी के पास है ही नहीं, इसको लेने वाले इस टाइम 1000 बंदे, तो वो उसकी प्राइस हाई कर देगा। तो उस 1000 बंदों में से चंद बावले भी होते हैं और चंद लोगों के पास बहुत पैसा होता है, उनको प्राइस का कोई इश्यू नहीं होता, तो वो $100 वाला कार्ड, $500 का भी कार्ड वो बाय कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसी चलती है और ऐसे ही होता आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो है वजूहात थी GPUs की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई है। माइनिंग का सीज़न इस टाइम ऑन हुआ हुआ है, इसके अलावा डिमांड बहुत ज़्यादा इन कार्ड्स की, परफॉर्मेंस की वजह से एकदम से 3 साल के बाद इतना अच्छा बूस्ट इन कार्ड्स में आया है। और क्या भाई, ढूंढ रहा हूँ मैं भी, मुझे भी कोई कार्ड मिल जाए, कोई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं जिससे पूछूँ भी, यार मुझे कार्ड चाहिए दे दोगे? वो कह रहा हाँ यार दे दूँगा, एक महीना वेट करना पड़ेगा। ठीक है यार, महीना वेट कर लेते हैं, प्राइस क्या दोगे? प्राइस तो मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहुत ही ख़तरनाक प्राइसेस कोट हो रही है मुझे इस टाइम, बहुत ही ख़तरनाक। तो आज तक के लिए इतना ही भाई, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, और होपफुली अल्लाह करे कि मुझे भी RTX 3000 सीरीज जो है वो कहीं से अरेंज हो जाए, मिल जाए, आपका भाई उसका रिव्यू ज़रूर डालेगा। चलते हैं फिर, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, चलते हैं, गुड बाय। एक और ट्राई कर ले यार, किधर हो सकता है सीजन कंप्यूटर जोन? अबे तारिक भाई के पास होगा ना, अभी रुक भाई, क्या बात कर रहे हो यार। अस्सलाम वालेकुम सीजन। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ, तारिक भाई तो प्लीज बात करवाइएगा मेरी। जी एक मिनट, करिएगा जी। तारिक भाई, कार्ड चाहिए था मुझे यार 3000 का, मुझे कोई भी आप दे दें कार्ड, 3070 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बेटा 3070 तो पड़ा हुआ है मेरे पास। तारिक भाई सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, 3070 पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरे पास 3070 पड़ा हुआ है।
अरे तारिक भाई जबरदस्त यार, मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ, ठीक है 15 मिनट लगेंगे मुझे बस ना, वो मेरी कार डिजर्व कर दे तो मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है। अच्छा तारिक भाई उसकी प्राइस क्या है? बेटा उसकी प्राइस है 1,70,000, 1,70,000। लग गए